इजीली मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हो यार। बाकी भाई 125 सीसी में मतलब पता नहीं चलेगा आपको सिटी में, अगर आप ये बाइक लेना चाहते हो ना भाई तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब 125 सीसी का ये बाइक मैं चला रहा हूँ। जी देख रहे हो क्या भाग रही है बाइक। हेलो एवरीवन, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो भाई मैं एसपी को लेकर निकल चुका हूँ, तो आज जो ब्लॉग होने वाला है वो इसी बाइक के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो आज हम इसे ट्रैफिक में थोड़ा रस चला कर देखेंगे कैसा ये चलता है, बाकी थोड़ा कटवट भी मारे जाएगा, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ मतलब देख कर भाई कॉपी वॉपी मत कर, कितना अच्छा लग रहा है ये एमटी। भाई मेरा ड्रीम बाइक एमटी ही है यार, मैं लूँगा तो एमटी लूँगा, नहीं तो भाई। बाकी ये बंदा स्कूटी वाला भी बहुत तेज चला रहा है, तगड़ा चला रहा है भाई। बाकी बात कर ले भाई इसके इनिशियल का टॉर्क, तो वो आप देख ही सकते हो भाई काफी तगड़ा है। भाई मैं नहीं चाहता मतलब मैं ज़्यादा भाई रश ड्राइविंग भी नहीं करता, क्योंकि अगर आपके वजह से किसी का नुकसान होता है तो वो फिर गलत बात है यार। बाकी भाई 125 सीसी में मतलब पता नहीं चलेगा आपको सिटी में, अगर आप ये बाइक लेना चाहते हो ना भाई तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब 125 सीसी का ये बाइक मैं चला रहा हूँ, जितना इसका कंफर्टेबल है भाई। एक तो सीटिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्लस भाई जो इनिशियल पर टॉर्क जो निकलता है ना वो, बाकी तो भाई ब्रेकिंग वगैरह को तो भाई ऑसम लगता है मुझे सब कुछ, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देख रहे हो क्या भाग रही है भाई। बाकी ब्रेकिंग भी देख लो भाई, एकदम इजीली मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा कुछ है ही नहीं मतलब कि मतलब लगेगा ही नहीं कि आप 125 सीसी की बाइक, मतलब लगेगा कि भाई आप एक बार स्पोर्ट बाइक एकदम चला रहे हो, एकदम जितना इसका तगड़ा है भाई। मतलब इससे भाई कटवट मारने में भी काफी ज्यादा मजा आता है, बाकी जिन लोगों को लगता है चलान कट रहा है। तो अगर आप भाई नॉर्मल सिटी यूज के लिए ले रहे हो तो भाई ये बाइक एकदम परफेक्ट है आपके लिए। बाकी आई होप आपको राइडिंग का मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया तो भाई एक लाइक कर देना यार वीडियो को, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ऑटो वाले से तो भाई बच के रहना, क्योंकि पटना में भाई जितना ऑटो चलते हैं ना इनका कोई भरोसा नहीं है कब आपको किधर ये दबा दें, मतलब किधर आपको कब ये सटा दे, आपके पास कोई मतलब भरोसा ही नहीं रहता इनका। बाकी देख लो भाई कंट्रोलिंग तो भाई काफ़ी मतलब कि ऑसम वाला कंट्रोलिंग है यार। ओहो भाई पता ही नहीं चलता कि मैं 125 सीसी का बाइक चला रहा हूँ। देख लो लग रहा है 125 सीसी का, बाकी भाई हैंडलिंग तो इसका तगड़ा है यार। भाई कंट्रोलिंग मुझे भाई पर्सनली मुझे बहुत अच्छा मज़ा आता है भाई इस बाइक को राइड करने में। बाकी पावर तो आपने देख ही लिया, पावर में तो भाई कुछ कमी नहीं है बाइक में क्या। तो बाकी फ्रेंड आपने हैंडलिंग इसका देख ही लिया होगा, तो हैंडलिंग जो मतलब कि जो इनिशियल जो टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा है। बट एक बात और मैं बता दूं, अगर आप इस तरह से मतलब बाइक चलाते हो तो आपका जो बाइक है मतलब जो मेरा जो बाइक है भाई पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा भाई माइलेज जो है वो कम देने लगता है। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।